ये हमारे पास पाकिस्तान नंबर वन आर्म रेसलिंग क्लब नेम्ड मेजर आर्म रेसलिंग क्लब, और हमारे पास है द वन एंड ओनली अब्दुल अजीज, जिन्होंने इस क्लब को सिर्फ एक साल के अरसे में पाकिस्तान का नंबर वन क्लब बना लिया। कैसे, यही जानेंगे इनके प्लेयर्स में वो किस तरह से खेलते हैं, वो क्या खेल रहे हैं, कौन सा प्लेयर किसके अगेंस्ट खेल रहा है, क्या गलती कर रहा है, किस तरह से बेटर हो सकता है। बट वेट, हु दिस अब्दुल अजीज इज? सो ये हैं जिन्होंने एक साल के अरसे में पाकिस्तान के एलीट आर्म रेसलर्स को हरा दिया, दैट टू वन साइडेड, दैट्स जस्ट इनसेन। तो यही देखेंगे आज, एंड इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आप सबको भी। तो कुछ हाइलाइट्स के पहले देख लेते हैं और फिर हम मैच स्टार्ट करेंगे, तो हम प्रॉपर मैचेस और लाइक प्रैक्टिस सेशन को एनालाइज करेंगे, एंड लेट्स गेट दिस स्टार्ट। हमारे पास हाइलाइट्स शुरू हो गई हैं, और फर्स्ट मी एंड अब्दुल अजीज भाई, काफ़ी इनसेन मैचेस हुए थे हमारे, एंड भाई मज़ा आने वाला है, ये वाला मैच देखे। ओ माय गॉड, हु वी गॉट, दिस इज द जवीज, ही इज जस्ट इनसेन, हिज स्ट्रेंथ इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। और ये भी खेलेगा तो मैं बताऊंगा, ही इज अ टॉप रोलर, ही इज अ प्रेसर, हु ही इज, ये है द वन एंड ओनली Mohammad Zain, who recently has beaten Pakistan's top, like number 3 arm wrestler in minus 70 kg category, Adil Jadoon, and just look at his press, this is the gist. And ye hai Zain, ye hai Wakil, he's a national gold medalist. Like har banda bhai gold lekar baitha hua hai fakhre Pakistan mein, nationals mein, that's just insane, right? Aur ye hai hamare paas Tajweez, and ye hum left arm ke liye Tajweez ke sath, this is the Tajweez against this beast bhai, iska bhi kafi acha strength hai, and Huzaifa Shah, and here's another guy, Huzaifa Shah versus Tajweez, Tajweez is just insane. So I was trying with Mohammad Zain, ye bhi kafi intense hone wala match, ye wala match dekh ke to bahut hi mazaa aayega, oh my god. So this is the Tajweez playing with Abdulaziz against Abdulaziz. राइट में हमारे पास फंसी है भाई, इसकी स्पीड बड़ी इंसेन है, छोटे से बच्चे की जस्ट डोंट लुक व्हाट, जस्ट मतलब दूसरे की तुम वो स्ट्रेंथ लेवल का अंदाजा देख रहे हो क्या। खैर, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड, यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर मैचेस लाइक प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखने की क्या बात है, देखा मैं देखने की क्या बात है, जितने भी मैचेस हैं सारे गो के ऊपर हो रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस, सी जस्ट लुक एट द स्पीड, और सेंटर्स देखो जस्ट माशाल्लाह। और अब यहाँ पर देखो जो राइट वाला बच्चा है वो अपनी पोजीशन कैसे बना रहा है, उसने फर्स्ट में उसको पंजा पड़ा, लेकिन सेकंड में उसने पोजीशन अपनी चेंज की, और उसने चेंज की और उसको ने रिस्ट खोली उसकी, सी अगेंस्ट इसने दोबारा से अपनी पोजीशन चेंज की, और इसने जो अपना हैंड है उसको थोड़ा सा लो रख लिया, अपने फिंगर्स को लो करके, लो हैंड से जो उसने उसका टॉप रूम कर, ये नो है उजैफा कर रहे थे, यहाँ पर मैं वार्म अप कर रहा था काइंड ऑफ, बट मुझे स्ट्रेंथ अच्छी फील हो रही थी अपने लेफ्ट में, और राइट से मैं इस वजह से नहीं खेला, शायद मुझे कहीं पर खेलना था अगले दिन और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मैं राइट से नहीं खेल सका, ये लेफ्ट से मैं जस्ट देख रहे हैं, और ओके उजैफा इज राइट, ओके। सो ये भी बच्चा अच्छा है, आई वाज डूइंग वार्म अप विद हिम, अभी भी मैं वार्म अप करूँ। अब इस बच्चे की तुम लोग पोजिशन देखो, सी हिज पोजिशन, जो ये किस तरह से भाई, ये लग तो छोटा सा रहा है, बट ही इज जस्ट इनसेन, राइट, जस्ट लुक एट हिज पोजीशन, हिज एंगल्स, और ये भाई 14-15 साल के बच्चे, एंड जस्ट लुक एट हिज स्पीड, अब ये देखो जरा, मतलब तुम देख रहे हो, खैर यहाँ पे मैं वार्म अप ही कर रहा हूँ, बट जस्ट लुक एट हिम, ही इज गुड, ही इज रियली गुड, बट अभी मैंने स्टार्ट किया लगाना थोड़ा सा, यहाँ पे मैं वार्म अप ही कर रहा हूँ, जस्ट चेकिंग हिम अप, सी, और ये 14-15 साल का है, एंड हिज स्ट्रेंथ इज राइट, यहाँ पे मैं भी इसकी रिस्क का भी ध्यान रखता हूँ कि इसकी रिस्क को कुछ ना हो इंजरी ना, और जस्ट लुक, अब मैं क्या करूँ, जस्ट होल्ड लूँ, क्योंकि जो वार्म अप ही करूँ ऑब्वियसली, तो आई वाज ट्राइंग के वार्म अप अच्छे से हो जाए, तो मैं हर एंगल पे चाह रहा था कि मुझे वो जोर लगाएं, तो ये भी एक ट्रिक है बेसिकली, दैट्स व्हाट आई यूज, जो अपने से थोड़े से बेसिकली वीक ओपोनेंट्स होते हैं वार्म अप में, उनके साथ लाइक स्टार्ट के मैचेस 2-3 होने के साथ खेलूँगा, उसके 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद देन आई प्ले विद सम गुड प्लेयर्स, ओके। तो यहाँ पर उजैफा शाह विद द लेफ्ट हैंड, और ये भी काफ़ी तगड़े हैं, एंड सी अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो देखो वो हुक कर है,
अच्छा यहाँ पर देखो इस राइट वाले का वेट -50 kg के अराउंड अबाउट होगा कुछ, और जो जोर लगा रहे हो जो उससे पोजिशन ली है वो बेसिकली उसने एंगल में रहकर ही ली है। अब यहाँ पर देखो भाई ये भी अच्छा मैच हो रहा है, सी फ्लॉप प्रेस। अब यहाँ पर इसको बेसिकली करना ये चाहिए था कि यहाँ पर अगर इस पोजिशन में आ गया ना तो जस्ट लेट इट गो, ठीक है। हुज़ैफ़ा वर्सेस तजवीज, अब हुज़ैफ़ा ने हाई हैंड पकड़ा हुआ है हाई हुक वाली पोजिशन में, और क्या ट्राई इसने किया कि वो लग जाए, लेकिन वो कपिंग हो नहीं सकती, तजवीज इज वे टू स्ट्रॉन्ग। और तजवीज वो लो हैंड टॉप रोल कर रहे थे एंड देन वो प्रेस में शिफ्ट हो गए। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा को थोड़ा सा उसको नीचे से पकड़ना चाहिए था, हुज़ैफ़ा ने बहुत ऊपर से पड़ा जिस वजह से रिस्ट खुल गए। अगर वो नीचे से करके करता तो जितनी अभी इसने रिस्ट खोली इससे ज़्यादा रिस्ट खोल के वो पिन कर सकता था। सी अभी भी होल्ड के, और मैं उसको ये बता रूँगी यहाँ से, और हुज़ैफ़ा कह रहा है अपना बोलो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। और सी इसने यहाँ पर होल्ड किया हुआ, और अगर वो थोड़ा सा लो करके निकालता तो अभी ये तजवीज़ को रोले पड़े होते। बट सी तजवीज़ ने जो प्रेस है दैट इज से, खैर अभी इनका दोबारा देखना पड़ेगा कि किस तरह से जाता है, वेदर हुज़ैफ़ा उस चीज़ को अपना इम्प्रूव करता है या नहीं करता, बट लेट्स सी। ओके तो ये यहाँ पर जो है वो पोजीशन लेते हुए फिर अब देखो फिर से ना उसने नहीं किया, ठीक है फिर से वही मिस्टेक, बट इस टाइम वो साइड पे सी वही मिस्टेक। अगर ये थोड़ा सा उसके हाथ को नीचे से पकड़ के अपने फिंगर्स को नीचे करके और अपनी पोजीशन को उठा लेता, ठीक है, तो फिर ये निकाल लेता आराम से। अब तजवीज पहले से ही प्रेस वाली पोजीशन में, और अब शायद हुज़ैफ़ा निकाल भी ले, नहीं वो जस्ट देख रहा है, बट निकाल सकता है ये देखना पड़ेगा। ओके सो ये यहाँ पे देखो अभी फिर वही पोजीशन ले भी, और कितनी ख़राब पोजीशन है, इस पोजीशन से कैसे कर सकते हैं ये, यही चीज़ एनालाइज करने को थी। अगर आपको एक पंजा पड़ गया है तो भाई उसको अपने अगले पोजिशन को देखो कि क्यों पड़ा वो पंजा, और क्या चीज़ उसको इम्प्रूव कर के उसको बेटर कर सकते हो। सो ये चीज़ तो देखने वाली होती है। तो अब ये देखो अब ये क्यों गया पंजा, क्योंकि तजवीज़ ने लेट स्टार्ट किया, लाइक उसने उस तरह से लगाई भी नहीं स्ट्रेंथ को, तो उसको होल्ड कर रहा बट तजवीज ना यहाँ पर काफी सारा थकावा भी था, बहुत हो चुका था। भाई ये आ गया ज़ैन का और मेरा मैच विद द लेफ्ट हैंड, आई फेल्ट लाइक आई वाज स्ट्रॉन्गर देन हिम। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है भाई वो लो हैंड करेगा, ठीक है लो हैंड टॉप रोल है उसका। अब मुझे देखो मैंने उसको कहाँ से पकड़ा, और मैं उसको प्रोनेशन के ऊपर ही ला रहा हूँ, सी उसको मैंने अपने प्रोनेशन और हैमर के ऊपर ही रखा हुआ, और मुझे पता है मेरा उससे स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, बट मेरे जो मसले मसाले वो अब यही तो सीखने की चीज़ है कि खैर यहाँ पर अब मैं लो हैंड उसको नहीं कर रहा सक रहा, क्योंकि इसमें मेरा मसला गोक है, तो जो मेरे मसल का कनेक्शन है वो गोक के साथ है नहीं, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पर पकौड़े लग रहे हैं, और वो मुझे धोएगा भी सही करके गो पे। अब देखो गो मैंने होल्ड किया हुआ बट ये ले जाएगा सी, उसका जो पोजिशन है वो बेटर था। अब देखो अब गो के बगैर अगर हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ये शुगर लगा रहे हैं, बट अभी को के बगैर हुआ तो मैं ले जाऊंगा वो के बगैर, बट यहाँ पे मेरे ख्याल में हाथ फिट फिट हो गया। हाँ मतलब देखो अब फिर मैं वो के बगैर मैं उसको हैमर पे वो अगर मेरा आ गया फिर तो भाई हिला भी नहीं सकता, हिलाने भी नहीं दूंगा, बड़ी प्रेस में आ रहा मैंने प्रेसेस के लिए तुम्हें वैसे बड़े डेट नहीं। खैर ज़ैन इज जस्ट इनसेन भाई, बहुत अच्छा इसका स्ट्रेंथ लेवल, ये इसका बॉडी बिल्कुल हर पतला सा लग रहा है बट स्ट्रेंथ लेवल इनसेन है भाई उसकी बॉडी में। अब ये देखो फिर गो पे वो आएगा और ले जाएगा, ये देख रहे खैर मेरे लिए। ओके तजवीज़ वर्सेस अब्दुल अजीज़, खैर तजवीज़ ना यहाँ वो काफ़ी तो थका थका लग रहा था, वरना बड़ा तगड़ा है बट अजीज़ तो फिर अजीज़ है द फाइनल बॉस, बिग बॉस राइट। और ये हैं अब आएगा जी हमारे पास, अब अजीज़ को तुम लोग देख रहे हो उसने ग्रिप कैसे करी उसको,
मतलब अपना राइजर भी इंटैक्ट रखा हुआ है और उसको अपनी प्रोनेशन के ऊपर रखा हुआ है। सी अब उसको ये भी पता है कि भाई वो आ सकता है, वो प्रेस आएगा और उसने किस तरह से अपना कितने अच्छे से इंगेज। सी आई गेस दिस टाइम ही वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट प्रेस, ठीक है। तो वो जो है वहाँ पे उसका इस तरह से जो है ना हो गया। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब वो उसको उसमें घुसने नहीं देगा। सी उसने कैसे रिस्क को अटैक कर रहे हैं, अब वो उसके लिए भी रेडी है। सो दैट्स व्हाट अ लीड प्लेयर डज, ठीक है। तो दैट इज समथिंग जस्ट क्रेजी। अब देखो प्रेस में फिर वो ले गया, सी अगेन इन प्रेस, बट वो रेडी नहीं है ऑब्वियसली। अब वो रेडी, उसने मुझे बोला गो बोल, मैंने गो बोला, वो उड़ा दिया। सो दिस इज जस्ट इनसेन, सी जस्ट लुक एट इट। तो ये भाई स्ट्रेंथ लेवल है क्रेजी। अक्सर ऐसे मजे की चीज़ों को देखो तो उसके अपने हाथ भी कहता, अभी हाँ मैं तजवीज़ क्या कर सकता हूँ। तजवीज़ को पता है ना कि भाई वो प्रेस में बार बार प्रेस जा रहा हूँ, अजीज प्रेस के लिए रेडी हो। बट तजवीज़ कुड हैव डन कि वो अपना ना जो लो है टॉप रोल करता है ना, मतलब उसमें इस तरह से आ जाता कि उसको इतना पता नहीं चलता, लेकिन अब उसमें आ भी रहा है तो उसे हिलने नहीं दे रहा। और यहाँ पर खैर फटी भी वो बहुत ज़्यादा हो गया, वो कुछ कर भी नहीं सकता अजीज। तो भाई इसी जस्ट लुक एट, अब भाई यहाँ पर तो भाई कुछ भी नहीं कर सकता ना। जब आप बोल रहे हो तो फटीक हो जाते हो ना, फिर तो कुछ होता भी नहीं है। अगर आप स्मोक का काउंटर भी कर रहे हो तो जस्ट वॉन्ट, ठीक है। तो इट इज व्हाट इट इज। तो अब हम इसको देखते हैं से आ रहे को। Okay, just happening. That's just insane level of وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقيم. अच्छा जी, तो अब इसमें देखो क्या होता है। अब उसने लो एंड के लिए बट इतना ठीक हो गया भाई। वकील, जस्ट लेट मी टेल यू हु वकील इज, ये भाई गोल्ड मेडलिस्ट है एंड उनका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो भाई बड़े नेक्स्ट लेवल है। बट हमारा भी लेफ्ट मेरा अच्छा है, इट्स गुड एक्चुअली, इट्स गुड। तो अब ये मैं हाई पोस्टिंग टॉप रोल पोजीशन एंड ये अब मेरा राइजिंग और जो मेरा प्रोनेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है उसकी के लिए। बट ओके, सो बस वही। अब ज़ैफा के साथ ना ज़्यादा मैं राइट से मैं खेल नहीं रहा, मेरे को मैच था या क्या था तो अगले दिन, दैट्स वाई आई वांट टू जस्ट, तो ये जस्ट स्टार्ट ये भाई अब ये मैच बड़ा तगड़ा होगा। अब ये देखा, अब ये देखो लो है टॉप रोल्स में से, लेकिन जहाँ पर बहुत थके एंड स्टिल गिविंग हिम दिस काइंड ऑफ फाइट इज जस्ट इनसेन, नेक्स्ट इनसेन। अब ये देख रहे हो, अब यहाँ पे एक मैच नजर आता है वो प्रोबेबली इन फ्लॉप प्रेस, वो तो मुजरा चल रहा है। अब ये देखो यहाँ पे कहाँ पे रोका, अगर मतलब हद नहीं होगी, अब देखो शोल्डर की इंगेजमेंट देखो आप, ठीक है। और यही से प्रेस पोजीशन में आ गया और जस्ट लुक एट द लेवल्स, लुक एट द लेवल्स, तबाही तबाही। एक अजीज भी है हमारे पास, आओ लो भाई सब फ्लैशपॉइंट खाओ। और ये पक्ष अजीज भी तक गया, उन्हें खैर उन्हें जोर भी नहीं लगाया था, छोड़ दिया था। ये लो जी जाओ छुट्टी करो, शुरू होने से पहले खत्म, ये शुरू होने से पहले खत्म। हम तो शुगर होता है, देखो शुगर लोग शुगर लगा रहे हैं जी, बच्चों की जान लेकर क्या, बच्चों की जान लोगे क्या भाई। वकील ये देखें, मतलब तुम देख रहे हो सिर्फ तबाही।
just insane. भाई इसका भी स्ट्रेंथ लेवल बड़ा तगड़ा है, इट्स रियली गुड एक्चुअली. अब यहाँ पर मेरा और अजीज का होता है लेफ्ट. ओके अजीज तो बिग बॉस है, बट मेरा वही ना स्टार्ट के बड़े मसले मसाइल हैं. पर मेरा स्टार्ट के मसले मसाइल अब ये देखो, सी अब यहाँ से खैर अब तो मेरा बहुत बेहतर हो गया. स्टार्ट भी पहले उसमें आ रहे थे और ये वीडियो थोड़ा आई गेस पहले का एंड प्रोनेशन एंड जस्ट प्राइस सॉरी बैक प्रेशर प्रोनेशन. अब ये देखो वो यहाँ मेरी इंजरी थी उसको पता नहीं उसने मारा और मेरा यहाँ पे टन हो गया था. अभी फिर आएगी ये लॉजी भाई